कुंभ राशि 14 अक्टूबर की शाम 7 बजे 7 शुभ समाचार मिलेंगे, आपको बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। दोस्तों, आज की सुडो में हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। 14 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आज के दिन आपको शुभ समाचार खुशखबरी किस तरह के मिल सकते हैं, विस्तार से ए टू जेड बातें बताने वाले हैं। साथ ही आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, ध्यान में रखने वाली बातें कैसी रहेगी, धनराशिफल, करियर राशिफल, लव राशिफल और स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, पूरी विस्तार से वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही भोलेनाथ जी का आशीर्वाद भी चाहते हैं तो कमेंट में प्यार से जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूले। तो चलिए बिना गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि के घर बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात भी होगी जो आपके करियर के लिए मददगार रहेंगे। ऐसे लोगों से मुलाकात जब भी होती है उनका सबसे पहले आप उनका मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव करके रखिएगा। इन फ्यूचर जब भी जरूरत पड़े आप उनसे डायरेक्ट मदद मांग सकते हैं और ऐसे लोग आपको आगे मदद करते भी रहेंगे। आप परिवार वालों की इच्छा पूरी करेंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे। आपको कुछ नए बिजनेस प्रपोजल भी मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी। थोड़ी मेहनत से आपको किसी काम में सफलता मिलेगी। आपकी सकारात्मक सोच हितकर साबित होगी। बहुत से लोग आपके विचारों और बातों से सहमत होंगे। कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, इसका अवसर भी आपको मिलेगा। कहीं पुराना फंसा हुआ पैसा निकल सकता है। आप अपनी ताकत और बुद्धि के जरिए कठिन से कठिन समस्याओं को हल निकाल सकते हैं। यानी कि आपकी ताकत और बुद्धि में इतनी शक्ति है, हर एक कठिन समस्याओं का हल आप ऐसे चुटकी में निकाल सकते हैं। आप अपनी बुद्धि को हर वक्त फ्रेश रखने के लिए आपको हर रोज सुबह योगा करना होगा। व्यायाम करेंगे तो पूरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा और योग करेंगे मूड फ्रेश रहेगा और आपका बुद्धि भी अच्छी तल्क प्रकार से कार्य करता रहेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको किसी की मदद भी समय पर मिलती रहेगी। अपने बच्चों की ओर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। किया गया निवेश आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद हो सकता है। आप पर काम का अधिक दबाव रहेगा। जोश में आकर आप जरूरत से अधिक काम अपने सिर पर ले सकते हैं। आप दूसरों की समस्याओं की ओर ध्यान ना दें, अन्यथा आप खुद अपना नुकसान कर बैठेंगे। दोस्तों, 14 अक्टूबर की शाम 7 बजे तक किस तरह के शुभ समाचार मिल सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला शुभ समाचार उन लोगों के लिए है जो कि नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने प्रयास के बाद आपको आज नौकरी के लिए ज्वाइन होने के लिए कहीं से आपको एक लेटर मिल सकता है या फिर कोई टेलीफोनिक कॉल भी आ सकता है। जहाँ पर आप नौकरी के लिए आवेदन किया है वहाँ से शुभ समाचार मिल सकता है। दोस्तों, खेतीबाड़ी लोगों के लिए आज के दिन अपने यानी कि हर रोज़ जो कि सब्जियां वगैरह जो खेती में लेकर जाते हैं, खेती से लेकर जाते हैं बाहर बिकने के लिए, उनको अच्छा खासा रेट प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। साथ ही जो जिनका व्यवसाय है, जो लोग व्यापार करते हैं, वहाँ पर आज अपना डेली का जितना बिजनेस है उससे भी 20-30% ज़्यादा बिजनेस आज के दिन व्यापार में देखने को मिल सकता है। और साथ ही आखिरी है जो लोग घरगुती व्यवसाय करते हैं, यानी कि घर में किराना दुकान हो गया या फिर घर में ही कोई साड़ी का बिजनेस हो, कोई भी घरगुती बिजनेस, उसमें भी आज आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। आज के दिन इतने सारे जो कि खुशखबरी शुभ समाचार आज आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। काम के सिलसिले में आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी। कार्यस्थल में अधीनस्थ लोग आपके कार्यों में मदद कर सकते हैं। बेवजह के खर्चों पर लगाम रखें। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। परिवार के किसी सदस्य से अनबन होने की संभावना बन रही है।
इस राशि के लोग कोई भी निवेश करने से बचें। निवेश करने के लिए यह समय ठीक नहीं है। किसी करीबी मित्र से मुलाकात करके आपका मन काफी खुश रहेगा। प्रेम संबंधित मामलों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान देना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपके लिए धन राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। पेशे में मान्यता, पुरस्कार और अच्छे परिणाम आपकी प्राथमिकता है, जिसके लिए इस समय आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करने से आप नए अवसर पा सकते हैं। इस समय सार्वजनिक मामलों और फालतू विवादों से दूर रहना बेहतर रहेगा। आपको अपने प्रियजनों का भरपूर प्रेम और स्नेह प्राप्त होगा। किसी समस्या या बाधा का सामना भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। अपने करियर के संबंध में आपने जो अच्छा काम किया है उसके लिए आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप करियर के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका लक्ष्य बहुत ही जल्द सफलतापूर्वक पूरा होगा। आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकेंगे, क्योंकि उसके लिए जो आपने कड़ी मेहनत की है वह लाजवाब है। यह पहचान बनाने के लिए आप बहुत समय से मेहनत भी कर रहे थे। आपके आसपास के लोग अगर आपकी मेहनत को ना पहचान सके तो भी आपको खुद ही अपनी प्रशंसा करनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। कार्यस्थल पर बॉस या वरिष्ठ अधिकारी से विवाद की संभावना बन रही है, इसलिए अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। लव लाइफ में आपको नए मौके मिलने वाले हैं, उनका पूरा फायदा उठाएं। कोई मनपसंद उपहार भी मिल सकता है। खुद को और अपने जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करें। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए समय बिल्कुल उचित है। आप अपने प्रियजनों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, डेटिंग के लिए जा सकते हैं या फिर कहीं पे लॉन्ग ड्राइव के लिए जा सकते हैं और एकांत में बैठकर अपनी जो भी बीच के अफवाह जो कि शख्स है, जो भी आपके बीच में लड़ाई झगड़ी अनबन जो भी हो चुके हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। आखिर में बात करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपको अपने प्रिय लोगों का ख्याल रखना होगा। हो सकता है आपका कोई करीबी बीमार हो, वो ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि उन्हें कोई समस्या है। हो सकता है उनकी बीमारी छोटी सी हो, मगर फिर भी आप लापरवाही ना बरते और उन्हें आराम करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें चिंता की कोई बात भी नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका कुंभ राशि फल रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को भी सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस चैनल पर हर रोज इसी तरह के राशिफल के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी, जिससे कि आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियों का समाधान भी इन वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो आप भी हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ।